जी, राम राम जी। आपका फिर से स्वागत है धनकर ब्लॉग्स में। और भी आज दिन है 13 अप्रैल और वार है बुधवार। 13 अप्रैल का दिन पंजाबियों के लिए बैसाखी का दिन होता है, लेकिन इस 13 अप्रैल से एक और इतिहास की घटना जुड़ी हुई है। भी 13 अप्रैल 1919 को हमारे देश में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वो क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर हम भारतवासी रोल्ट एक्ट के एक कानून पास किया था अंग्रेजों ने, रोल्ट एक्ट, उसके विरोध में हम सब वहां पर इकट्ठा हुए थे। सारे भारतवासी मतलब वहां पर इकट्ठा हुए थे उस एक्ट का विरोध करने के लिए। और ये एक्ट क्या था, रोल्ट एक्ट, ये वो कानून था जिसमें अंग्रेजों ने, ये इस कानून के तहत अंग्रेजों ने कहा कि भी कभी भी किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी केस के कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सब वे भारतवासी इकट्ठे हुए थे, और वहां पर अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजों का मेन नेता था जनरल डायर मेजर, उसने हम भारतवासियों पर गोलियां चलवाई थी। और जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन सभी शहीदों को हमारा शत शत नमन। और भी ये दिन एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।